बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 9, रिव्यू एक्सरसाइज 9, क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट 4। नाउ स्टूडेंट, ओपन योर बुक पेज नंबर 167। सो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट 4। क्वेश्चन 6 इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। नाउ स्टूडेंट, हम क्वेश्चन 6 का पार्ट 4 की अंडरस्टैंडिंग करेंगे और रिमेनिंग पार्ट्स आपके होमवर्क में हैं। पार्ट 4 इज एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 इज इक्वल 5 अपॉन 3। सो स्टूडेंट, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी। सो सॉल्यूशन में आप अगेन पार्ट को राइट करेंगे, देन आप सॉल्व करेंगे। सो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 इज इक्वल 5 अपॉन 3। नाउ स्टूडेंट, जब हमें अपॉन में वैल्यू दी जाए तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो हम नेक्स्ट स्टेप में राइट करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड वाले डिनोमिनेटर को लेफ्ट हैंड साइड के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह राइट हैंड साइड वाले नोमिनेटर को लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स कि हम राइट हैंड साइड वाले डिनोमिनेटर 3 को लेफ्ट हैंड साइड के नोमिनेटर एक्स प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसी तरह राइट हैंड साइड के नोमिनेटर 5 को लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में हम राइट करेंगे। हम राइट हैंड साइड वाले डिनोमिनेटर के 3 को लेफ्ट हैंड साइड के नोमिनेटर x प्लस 1 के साथ राइट करेंगे। इसी तरह हम लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर x माइनस 3 को राइट हैंड साइड के नोमिनेटर 5 के साथ राइट करेंगे। सो 3x प्लस 1 इज इक्वल 5x माइनस 3। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो 3 ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3x। इसी तरह 3 1 से मल्टीप्लाई होकर प्लस 3 हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे हम 5 को ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो 5x से मल्टीप्लाई होकर 5x हो जाएगा। इसी तरह 5 माइनस 3 से मल्टीप्लाई होकर 15 हो जाएगा। सो हमारे पास क्या इक्वेशन हो जाएगी, 3x प्लस 3 इज इक्वल 5x माइनस 15। सो स्टूडेंट्स, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास राइट हैंड साइड पे जो 5x राइट है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे 3x के साथ राइट करेंगे और अपोजिट साइन के साथ। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पर प्लस का 3 राइट है उसको राइट हैंड साइड पे माइनस 15 के साथ राइट करेंगे और माइनस के साइन के साथ। सो नाउ स्टूडेंट, हम नेक्स्ट स्टेप में राइट करेंगे 3x प्लस का 5x राइट हैंड साइड पर है। सो जब वो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा। सो 3x माइनस 5x इज इक्वल माइनस 15। अब लेफ्ट हैंड साइड पे जो प्लस 3 है उसको राइट हैंड साइड पे राइट करेंगे। जब राइट हैंड साइड पे राइट करेंगे तो प्लस का 3 माइनस का 3 हो जाएगा। सो इज इक्वल माइनस 15 माइनस 3। सो स्टूडेंट, अब नेक्स्ट स्टेप में हम 3x को 5x से माइनस करके राइट करेंगे। सो 3x माइनस 5x इज माइनस 2x। माइनस का साइन इसलिए आया क्योंकि हमारे पास बड़ी वैल्यू 5 की और 5 के साथ माइनस का साइन है। इज इक्वल, अब राइट हैंड साइड पे माइनस 15 और माइनस 3 को ऐड करके राइट करेंगे बिकॉज माइनस माइनस प्लस। सो माइनस 15 माइनस 3 इज माइनस 18। दोनों के साथ हमारे पास सेम साइन था इसलिए हमने माइनस का साइन लगाया। सो नाउ स्टूडेंट, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे 18 के साथ डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल माइनस 18 अपॉन माइनस 2। सो स्टूडेंट, अब नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस 18 अपॉन माइनस 2 को कटिंग करके राइट करेंगे। सो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 18 अपॉन 2, 2 के टेबल से कटिंग होगा। सो 2 वन ज़ा 2, 2 नाइन ज़ा 18। सो हमारे पास आंसर क्या आया, 9। सो x इज इक्वल 9, ये हमारे पास आंसर है। नाउ स्टूडेंट, जिस तरह आपको रिव्यू एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन 6 के पार्ट 4 की अंडरस्टैंडिंग दी गई है, इसी तरह आप क्वेश्चन 6 के रिमेनिंग पार्ट्स को देख लीजिए और अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लें। बी केयरफुल, हर पार्ट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करके फिर अपने कॉपी में राइट डाउन कीजिएगा। होमवर्क, नोट डाउन रिव्यू एक्सरसाइज 9, क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 इन योर मैथ्स रजिस्टर, पेज नंबर 167। सो स्टूडेंट, अब रिव्यू एक्सरसाइज 9 क्वेश्चन 6 के ये पार्ट्स अपने मैथ्स रजिस्टर में राइट डाउन करेंगे जो कि पेज नंबर 167 पर है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।